साथ में रितंबरा जी मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा रही है इस आंदोलन की, इसलिए दो तीन सवाल उनके पास, बहुत कम वक्त है, दो तीन सवाल मैं उनसे लाइव लेना चाहूंगा। लोग सब इनको दीदी माँ के रूप में जानते हैं। दीदी माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज नेशन चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, फैसले के बाद जो आरोप लग रहा था षड्यंत्रकर्ता दीदी माँ साध्वी रितंबरा, क्या लगता था आपको 28 साल तक? आरोप का तमगा गले में डाल के घूमना कैसे लगेगा? और आज जो है, जो न्याय हुआ है वो ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई किसी झूठ के बल पे नहीं लड़ी जा सकती। श्राम जन्मभूमि का आंदोलन एक ऐसा लक्ष्य रहा जो सत्यनिष्ठ लोगों ने अपनाया, उसको उसके लिए साधनों को भी शुचितापूर्ण होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुचितापूर्ण मार्ग होने चाहिए, साधन होने चाहिए, क्योंकि साध्य सत्य है। तो मार्ग भी साधन, उस पथ को भी सच्चा सच्चा होना चाहिए। षड्यंत्र, चोरी, डकैती, ये सारे आरोप, और आज वो ग्रहण जो 28 साल से लगा हुआ था उससे मुक्त हुए हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का, न्यायपालिका का भारत के सब लोग आदर करते हैं, आदर करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से जो श्रीराम जन्मभूमि का आंदोलन था उसने बहुत सारी लोगों की चूलें हिला दी, तुष्टिकरण की राजनीति, उसकी जड़ें। हम भारतीयों ने अगर पोषण पाना है तो अपनी जड़ों से जुड़कर, वही तो संभव होगा ना। तो जड़ क्या है हमारी? हमारे अतीत में हमें कुछ महापुरुष मिले, अवतारी पुरुष मिले, जिनके जीवन आदर्श हमारे लिए पथ हैं, पाथे हैं, जीवन का आदर्श हैं, जीवन को जीने का एक तरीका है, मूल मंत्र उनसे हमें प्राप्त होता है। तो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन मात्र एक मंदिर निर्माण का आंदोलन तो नहीं था, वो आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। पराभवी युगों के प्रतीकों के नीचे दबी हुई आस्थाओं की, हमारे वो स्थान मुक्त होने चाहिए, यही तो एक भावना थी जनमेदनी की, जिसको नहीं देखा गया। प्रपंच रचे गए और वो आज प्रपंच जो है हार गया है और सत्य जीत गया है। साध्वी जी, मैं अब दीदी माँ, मैं अभी अभी सुन रहा था कि जफर याब जिलानी कह रहे थे कि आपने एक नारा लगाया वहां पर कि एक धक्का और दो और तोड़ दो, ये नारा आपने वहां पर लगाया, इसके परिणाम स्वरूप लोग टूटे और उन्होंने उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। क्या 6 दिसंबर 1992 को आपने नारा वहां पर लगाया था? दीपक जी, अब आप जो है, हम इन सब बातों की 28 साल न्यायालय की प्रक्रिया से निकलकर आज आपके सम्मुख हैं। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैंने इस आंदोलन में गली गली, गांव गांव के पवित्र मिट्टी को अपने माथे पे धारण किया। पूरे भारत के कार सेवकों को, नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को, तरुणों को, वृद्धों को, उनके हृदय के अंदर श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने का एक बीजारोपण नहीं किया था, वो पहले से ही था 500 साल से, उसके लिए उसको सिंचित किया। एक ही नारा था कि कंकर कंकर शंकर, इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। ये संकल्प था जो चित्त के अंदर, चेतनाओं के अंदर रोपने की मेरे को भी छोटी मोटी भूमिका मिली, लेकिन वहां षड्यंत्र रचे गए, वहां बैठकर जो है वो साजिशें रची गई। इस आरोप का ट्रायल चला है 28 साल और आज जो न्याय मिला है उसको बड़े दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए। और मैं जहां तक समझती हूँ, हम भारतीय, चाहे कोई जात हो, चाहे कोई धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, हमारी जड़ें माँ भारती की कोख और गोद में हैं, हमें क्यों नहीं इस बात को समझना चाहिए? अब वो समय आ गया है जो हम सत्य को स्वीकार करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि सत्य सत्य होता है और सत्य की ही जीत होती है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा विदा हो जाता है, क्योंकि अंधेरे की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश के अभाव को ही
अंधेरा कहते हैं। मैं इतना ही निवेदन सबसे करना चाहती हूँ कि ये जो इतनी लंबी लड़ाई इसी युग में नहीं चली, इसके लिए 5 शताब्दियां, आप कल्पना कीजिए दीपक जी, क्या भारतीय किसी झूठ के साथ 500 साल खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे रक्त में ही नहीं है। लेकिन जिस तरह की हालात यहाँ बने, गुलामी के काल हमने झेले, पराभवी युगों के प्रतीक के नीचे हमारी आस्थाओं के, जो हमारे स्वाभिमान को कुचला गया, आज जब न्याय की प्रक्रिया में से गुजरकर हम आए हैं, उसे तो आप स्वीकार कीजिए, अब तो बड़ा दिल कीजिए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये लड़ाई मात्र एक मंदिर की लड़ाई नहीं थी। आप विचित्र बात करते हो, आप सच नहीं स्वीकार करना चाहते? आप सच देखिए, एक बात नहीं है, न जाने कितने कितने ऐसे आस्थाओं के मंदिर हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने धूल धूसरित किया था, क्योंकि वो भारतीयों के स्वाभिमान को चकनाचूर करना चाहते थे, वो आस्थाएं तोड़ते थे। और आस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने हमारे मंदिरों के गुंबदों को ही नहीं गिराया, वहां हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाओं को नष्ट पराया करके, और फिर उनको सीढ़ियां बनाकर उन पर चढ़कर जाना है, ऐसी गंदी कुत्सित मानसिकता जिसको हमने वर्षों वर्षों झेला है। और आज न्यायालय की प्रक्रिया में से गुजरकर अगर कोई सत्य सामने आया है, तो सबको बड़ा दिल करके इसे स्वीकार करना चाहिए। और छोड़िए, हम कहते हैं कि अतीत की बात को छोड़ दीजिए, नए सिरे से कहानी शुरू कीजिए ना, इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़िए, और फिर देखिए कि भारत का कैसे जाज्वल्यमान स्वरूप बनता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, तो फिर भरोसा किया किस पर जाएगा, और बात बनेगी कैसे? दीपक जी, मुझे इस समय पर बस इतनी बात कहनी है कि हम षड्यंत्र नहीं रचते हैं, हम तो मंत्र जपने वाले लोग हैं। अपने हिस्से की भी देखे संतोष हो जाए, शांति हो जाए, ऐसे चिंतन में से हम सब लोगों का जो है वो जन्म हुआ है और जीवन पगा है, जूझे हैं हम इन सब बातों के लिए। लेकिन आज जो निर्णय हुआ है वो सबको हृदय से स्वीकार होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया।